आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ नींबू का अचार। नींबू का अचार जो बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। नींबू बहुत फायदेमंद होता है, इसमें विटामिन सी होती है। मैं इसका ज़रा सा रस निकालूंगी नहीं, सब इसी में रहेगा। और चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से नींबू का अचार बनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबको हमारे रसोई में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ नींबू का अचार। नींबू का अचार हम किस तरह से बनाएंगे ये आपको बताएंगे। मैंने लिया है नींबू। इस नींबू को मैंने एक दही या मट्ठा आप जिसमें भी एक से दो दिन तक इसको भिगो दीजिए उसमें। तो मैंने पहले से भिगो करके इसे ये देखिए मैंने ले लिया है। भीगने के बाद जब आप बाहर निकालेंगे तो नींबू का कलर ये हो जाएगा। इस तरह से दिखने में लग रहा है जैसे ख़राब नींबू, पर ये खट्टाई से इसका ऐसा कलर आया है। आप लोग भिगो के देखिएगा। तो मैंने पहले से इसको दो दिन भिगो करके इसे अच्छे से वॉश करके और धूप में डाल दिया था, सूख गया है। तो मैं इसको ले ली हूँ। अब इसको मैं किस तरह से बनाऊँगी और मुझे किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने लिया है सादा नमक है, ये ब्लैक नमक है, काला नमक, ये अजवाइन है एक टीस्पून, एक टीस्पून जीरा लिया है मैंने, साबुत जीरा है, एक टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर, एक टीस्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च पाउडर, दो बड़े टेबल स्पून मैंने नमक लिए हैं सादा और दो ब्लैक, बराबर बराबर मात्रा में मैंने लिए हैं नमक को। तो इन सब मसालों को मैं मिला देती हूँ। ये मसाले बहुत फायदे करते हैं नींबू के अचार में। इसमें मैं कोई और मसाला नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ इसी को मिक्स करके इसी से अचार बनाऊँगी। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें जो सामग्री पड़ी है वो बहुत ही फायदेमंद सामग्री है। मैंने इसमें अजवाइन, जीरा, काला नमक, सादा नमक, ब्लैक पेपर और टर्मरिक पाउडर, ये सारे मसाले यूज़ किए हैं। मैंने हींग इसमें नहीं डाला है। ये देखिए ये नींबू जो मैंने लिया है, इस नींबू को इस तरह से इसे इधर से करके इधर निकाल देंगे और ये निकाल देंगे। इसे इस तरह से चार भागों में डिवाइड कर देंगे। इसको अलग नहीं करेंगे, ये लगा रहेगा। ये देखिए इस तरह से, ये तो इस तरह से मैं नींबू को कर लेती हूँ। ये जो इधर का ये पार्ट है इसको बाहर ही कर देते हैं। इसके बाद जो है इसी तरीके से इसे काट लेते हैं। नींबू का अचार बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये सालों साल कभी ख़राब नहीं होता बिना तेल के। बस इसे धूप में रखना ज़रूरी होता है। इसको धूप में रखेंगे, आप अगर मट्ठे में इसको भिगो के बनाएंगे तो इसका जो कसैलापन है वो ख़त्म हो जाता है, ऊपर का जो दरदरापन है वो चिकनी में बदल जाता है, कलर चेंज हो जाएगा, पर इसका ऊपरी भाग जो है ये दरदरा वाला ख़त्म हो जाता है, एकदम प्लेन चिकना हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से सारे नींबू काट ली हूँ। अगर आपको मेरा ये नींबू बनाने का अचार पसंद आए, जिस तरीके से मैं अचार बना रही हूँ अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से चार फोल्ड मैंने कर दिए हैं, इधर से जॉइंट है। अगर आपको खाना भी होगा तो आप इधर से तोड़ सकते हैं, क्योंकि तभी मुलायम हो जाएगा जब इसमें नमक पड़ जाएगा। तो
जो नींबू अच्छे से मिट्टी में नहीं डूब पाए थे, थोड़े बाहर ही रह गए थे, उसकी कलर देखिए इस तरह से है। तो मेरा ये जो है नींबू पूरा मैंने काट लिया है। ये देखिए मैंने सारे नींबू कट कर लिए हैं। अब इसके लिए मैंने एक जार लिया है इस तरह से, कंटेनर, इस कंटेनर में जो है रखूंगी। पहले हल्का सा मैं इसमें नमक ऐसे डाल देती हूँ अंदर की तरफ और इसे इस तरह से चला देती हूँ। तो मैंने चला दिया है। अब मैं दिखाती हूँ कि नींबू को कैसे मसाले में भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मेरा चारों तरफ से इसमें अच्छे से भर गया है। अब मैं इसको सीधे, देखिए मैंने इसमें जो है इस तरह से रखते जाएंगे एक एक करके। तो मैं आपको सारे नींबू भर के दिखाती हूँ। ऊपर से ऐसे नमक डाल देंगे और ये बीचों बीच जाके अच्छे से रुक जाता है। इसे रखते जाएंगे, हमारा नींबू का अचार। इसको धूप दिखाएंगे 10 से 12 दिन, अच्छे से धूप, कड़ी धूप में रख दें। ऐसे धूप में ना भी रखें तो ख़राब वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास धूप है तो आप धूप ज़रूर दिखाइए इसको। धूप दिखाने से जल्दी गल जाता है, ये सालों साल चलता है। आप चाहे 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल रखना चाहें, आपके नींबू का स्वाद कभी ख़राब नहीं होता है। इसको ऐसे सीधे रखें, टेढ़ा ना होने दें, ताकि मसाला इसमें अंदर तक जब नमक पाएगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा सोख के चिपक जाएगा सारा मसाला। मैं आपके साथ वो मिर्ची और नींबू वाला अचार भी शेयर करेंगे, पर अभी मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। आप देख लीजिए इसको, अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को कमेंट कीजिएगा अच्छा लगा या नहीं। वैसे जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ वो मेरे घर में बनती हुई हैं, वही चीज़ मैं दिखाती हूँ जो हमारे घर में बनाई जाती है। ये मेरी मम्मी बनाती थी नींबू का अचार, बहुत ही टेस्टी लगता था बचपन में, हम लोग बहुत खाते थे इसको। फिर बड़े होकर मैंने इसको सीख लिया कैसे बनाते हैं इसको। इसमें ज़रा सा तीखा नहीं होता तो बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं तो खट्टा मीठा हो जाएगा, पर मैं इसमें चीनी नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पूरे जार भर के नींबू का अचार बना लिया है। इस तरह से रख लिया मैंने कंटेनर में। आप चाहे तो कांच का जार ले सकते हैं, पर मेरा प्लास्टिक का है कंटेनर। और बाकी जो ये बचे हुए मसाले हैं मैं ऊपर से इसमें ऐसे डाल देती हूँ। इसे इस तरह से कंटेनर को बंद कर देंगे। अगर आपको धूप दिखानी है, वैसे मेरा ये नींबू काफ़ी गल गया है क्योंकि मैंने इसे मट्ठे में भिगोया था। आप जब मट्ठे में भिगोएंगे तो आपका नींबू काफ़ी गल जाएगा। तो इस पर एक पतला सा कॉटन का कपड़ा डाल दीजिए और इसे रफ कर दीजिए, कोई भी बैंड लगा दीजिए बंधा रहे, ताकि धूप आपके इस अचार पे सीधी पड़े। तो मैं अभी इसको जो है इसको इस तरह से बंद कर रख देती हूँ, धूप में रखूँगी बाद में। 2 से 3 दिन में सही हो जाता है एकदम से। तो अगर आपका मेरा ये बनाया हुआ अचार आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।